नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय एक अफवाह फैल रही है जिसको लेकर आपके साथ बताऊंगा कि क्या यह हकीकत है, क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सोशल मीडिया पे इस समय अफवाह चल रही है कि ओमान में फिर से लॉकडाउन होने जा रहे हैं, जिसके चलते ओमान सुप्रीम कमेटी ने मतलब एक मैसेज भी जारी किया जो कि पूरी तरह से दूध का और दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। साथ ही इंडियन स्कूल के लिए भी बेहतरीन अपडेट निकल के आए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जो कि इंडियन एम्बेसी ने क्या अपडेट इंडियन स्कूल ने क्या अपडेट दिया आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले बात कर ले तो यहाँ पे जो ओमान सुप्रीम कमेटी ने जो मतलब जारी किया, क्योंकि इस समय जैसा ओमान सुप्रीम कमेटी ने बहुत सारी जगहों पे कुछ पाबंदियां लगाई थी, स्पोर्ट हो गया या और बहुत सारे ग्रुपिंग हो गया जैसे सोशल गैदरिंग को लेकर पाबंदियां लगाई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि ओमान में व्हाट्सएप हो गया या और बहुत सारी चीजों पे सोशल मीडिया पे एक अफवाह उड़ाई गई कि ओमान में फिर से लॉकडाउन करने वाला है। ओमान की सरकार ने फैसला किया कि मतलब लॉकडाउन लगने वाला, ऐसा मतलब देखा है तो सोशल मीडिया पे मतलब ये पोस्ट वायरल हो गया। वायरल होने के बाद जो सुप्रीम कमेटी ने बात समित ने इस बात को मतलब इनकार किया कि कर्मचारियों को मतलब क्या था उस व्हाट्सएप पे, मगर जो मैसेज की बात करें तो उसमें यह भी दिया था कि सभी मतलब वर्कर अपने ड्यूटी पे ना जाएं। उसमें मतलब देखा तो काफी बड़ा वो मतलब फेक न्यूज चला गया था, लेकिन आपको बता दें यहाँ पे वो बिल्कुल तरह कोई भी उसमें सच्चाई नहीं थी। सुप्रीम कमेटी ने इस तरह का कोई भी मतलब आदेश दिया कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं, ये वर्कर को लेकर भी कोई बात उन्होंने नहीं कहा। तो इन सभी अफवाहों को ज्यादा हो जितना हो सके अगर जो आपके पास आता भी है तो उसको आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि ऐसी अफवाहें लगातार मतलब फैलती ही रहती है। तो जिनका काम है फैलाना वो तो फैलाएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे सुप्रीम कमेटी ने बिल्कुल यहाँ पे का इकट्ठा होना या और मतलब देखे तो यहाँ पे कोई वो दो राय नहीं है इसमें, मतलब कोई आंदोलन मतलब लॉकडाउन वोकडाउन नहीं लगने वाला, उन्होंने बाकायदा उसका क्लेरिफिकेशन भी दे दिया। बात करते हैं इंडियन स्कूल की, तो अगर जो आप इंडियन स्कूल में मतलब बहुत सारे लोग जो फैमिली के साथ रहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इंडियन स्कूल में तो ऑनलाइन, जी हाँ, इंडियन स्कूल ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, जो कि काफी बेहतरीन है, क्योंकि इंडियन स्कूल देखा है तो जो मस्कत में है और जो अगर जो आप मस्कत में आप अपने पूरे फैमिली के साथ रहते हो, आपका बच्चा अच्छा है पढ़ाना चाहते हो, तो फिर आप ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन इंडियन स्कूल में करा सकते हो, जो कि काफी बेहतरीन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अभी पेंडेमिक 2020 और 21 अगर जो बात करें तो 21 में भी मतलब काफी ज्यादा चल रही है, जिसके चलते उन्होंने ऑनलाइन मतलब करने पूरा ऑनलाइन करने का कदम उठाए, जो कि काफी बेहतरीन है भाई। पेंडेमिक अभी भी शांत तो हुआ नहीं है और आपके बच्चे होंगे या मतलब फिर वहां पे ज्यादा भीड़ भी, अगर जो कॉलेज जाएंगे मतलब आप कॉलेज जाओगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो वहां पे बहुत सारे, क्योंकि ओमान में लगभग 5 लाख इंडियन रहते हैं ना, और 5 लाख में से मान लीजिए थोड़े बहुत भी फैमिली वाले होंगे तो उनको तो भी अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, तो वहां पे जाएंगे तो इससे बेहतर यही रहेगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के अपना वहां पे वो करवा लो। तो ये थी अपडेट, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।